करेंगे राजस्थान के डिंडवाना की, जहां पर मौसम परिवर्तन से बीमारियां बढ़ने लगी है, जिसको लेकर अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं बीमारी का शिकार हो रही हैं। बीमारियों को लेकर अस्पताल प्रशासन भी सतर्क हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि इन्फेक्शन हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उसका इलाज भी करवाएं। मौसम परिवर्तन के कारण यह बीमारियां और भी बढ़ने लगी है और जिसका खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। बारिश के तौर पर इस बीमारी को देखा जा सकता है। मौसम के परिवर्तन से तापमान परिवर्तन हो रहा है, जो इस समय तापमान है वो वायरल बीमारियों के लिए उपयुक्त होता है, तो इस वजह से वायरल बीमारियां बढ़ रही है। अभी स्पेशली एक वायरस अभी यहाँ तो डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन H3N2 वायरस की वजह से, या हो सकता है कोई और इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसकी वजह से यहाँ पे केसेज एकदम बढ़ गए हैं। तो इसके लिए इन वायरल बीमारियों से बचने के लिए पहले जैसे कोरोना से बचाव करते थे ना, वैसे के वैसे ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, मास्क का इस्तेमाल करना पड़े और साथ में हैंड वॉश वगैरह करते हैं बराबर। नहीं, वो एक्चुअली कोरोना वेरिएंट नहीं, वो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसका वेरिएंट है। कोरोना और इन्फ्लुएंजा एक सामान्य तरह की जुकाम का ही प्रकार है। उसमें पेशेंटों को जुकाम होना, सर दर्द होना, नाक बहना, बॉडी एक होना, ये सामान्य एहतियात के तौर पे यही है कि जैसे जुकाम खांसी हो तो अपने मुंह पे मास्क लगा के रखें।